हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? अच्छे बने रहिए दोस्तों। शोर क्रिकेट प्रेडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो लाए, द 100 मेंस चेकबोर्ड मुकाबले। दोस्तों जो कि मैच खेला जाएगा बर्मिंघम बोनेक्स वर्सेस लंदन स्प्राइट्स के बीच। दोस्तों ये जबरदस्त मुकाबला होने वाला है और ये मैच जो कि खेला जाएगा 26 जुलाई को के दिन। और दोस्तों साथ में आपको अगर प्रत्येक मैच की फ्री प्रेडिक्शन चाहिए तो आप जल्दी से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई। दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको ये होता है कि आप प्रत्येक मैच की फ्री प्रेडिक्शन, टॉस, सेशन सब कुछ बात कर सकते हैं। साथ में आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई डाउट क्वेरी हो तो सॉल्व करते हैं। दोस्तों जो मैच है ये जबरदस्त मुकाबला बैगिंग और लंदन, क्योंकि दोनों ही टीमें अपना एक एक मुकाबला हार चुकी है और ये जो लीग है वो कमाल की बनी है। 100 बॉलों का जो मैच होते हैं वो T20 से ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इसमें अभी तक जबरदस्त मुकाबले खेले। वही बात करें इस मैच की जो कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है, और टोटल अगर कोई पिच रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखे दोस्तों तो अभी तक 13 मैचेस ग्राउंड पर हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 10 बार जीत चुकी है और सेकंड बैटिंग करने वाली मात्र 3 बार जीती। यानी कि इस पिच के हिसाब से अगर देखा जाए तो लास्ट सेशनों के अकॉर्डिंग के इस बार भी फर्स्ट बैटिंग जीतने के चांसेस है। अगर दोस्तों इस ग्राउंड के अगर हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करें तो 195 रन बने, वो भी लंदन स्प्रिट ने बनाए हैं, तो दोस्तों बहुत कमाल। वही अगर बात करें दोस्तों कि ये लोवेस्ट स्कोर की, तो यहाँ पर 92 का लोवेस्ट स्कोर दिया है, वो भी नॉर्थर्न सुपर चैलेंजर ने यहाँ पर बनाया। तो दोस्तों अगर देखना है कि इस ग्राउंड के हिसाब से ये दोनों टीमें कब कब अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है। वही अगर बात करें इन दोनों के लास्ट चेस होगा, चेस कितना होगा या कितना स्कोर बनेगा, तो वही अगर बात करें दोनों की इस ग्राउंड पर, तो इस ग्राउंड पर अभी तक हाईएस्ट 140 रन का स्कोर चेस वो भी बर्मिंघम बोनेक्स से नहीं किया है। और यहाँ पर अगर लोवेस्ट स्कोर की अगर नजर डाले दोस्तों तो जो डिफेंड हुआ है वो 223 यानी कि ट्रेंट रॉकेट ने यहाँ पर डिफेंड किया है। तो ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर स्कोर हाईएस्ट 140 भी चेस अगर बर्मिंघम कर चुकी है, डिफेंड भी हुआ चाहे, तो यानी कि इस पिच का अगर जो एवरेज स्कोर पर अगर नजर डाले दोस्तों तो जो एवरेज स्कोर होने वाला है वो हो सकता है 140 से 145 के बीच। यानी कि अगर बात कर हेड टू हेड दोनों टीमों के पर में, तो अभी तक जितने बार 3 सेशनों में मैच खेले गए हैं उन तीनों ही मैचों में लगभग बर्मिंघम ही जीती, यानी कि लंदन को अभी तक जीत का स्वाद नहीं चख पाई है। और अगर बात करें इन दोनों के लास्ट 5 मुकाबलों को कि भाई लास्ट मुकाबले में कितना क्या परफॉर्म किया, तो यहाँ पर लंदन स्प्रिट अभी तक मात्र 1 मुकाबला ही अपना जीत पाई है। और बर्मिंघम की अगर बात करें दोस्तों तो ये 2 बार ही लास्ट 5 मैचों में जीत पाई, और अपना जो लास्ट मुकाबला बहुत खराब के लिए थी, बिल्कुल स्ट्रेट मैच हारी थी, यानी कि 89 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। वही बात करें अगर इसकी प्लेइंग 11 पर, तो यहाँ पर मोइन अली यहाँ पर कैप्टन है बतौर के साथ साथ, अगर हेवल टॉम साउदी भी यहाँ पर उनके साथ नजर आ रहे हैं, जेम बेल है और लिविंग स्टोन भी नजर आ रहे हैं। परंतु जिस तरह से उनकी टीम ने पिछले मैच में जो प्रदर्शन किया था वह भी निराशाजनक रहा था, और इस बार अगर उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी टीम थोड़ा बेहतर करेगी पिछले ओवर जाकर, अगर इस टीम के सुपर स्टार प्लेयरों की अगर हम नजर डाले तो यहाँ पर आर पटेल थोड़ा बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं और मोइन अली, ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टीम में बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं दोस्तों। वही अगर बात करें बॉलिंग में, तो टीम सऊदी से काफी उम्मीद रहेगी कि कुछ बेहतर करे। लंदन स्प्रेड की अगर प्लेइंग 11 पर अगर नजर है, पिछले मैच में जो टीमें खेली थी यहाँ पर बतौर कप्तान जो खेले थे वहां पर टीम में कि लॉरेंसेंट ने यहाँ पर बतौर कप्तानी इस टीम की, जिनके साथ सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी आंद्रे कचल, आंद्रे कचल और सिमरन हेटमायर दोनों इंटरनेशनल प्लेयर हैं प्रेजेंट में और काफी बेहतर परफॉर्म करते हैं। एम पेपर भी यहाँ पर बेहतर रहते हैं और रोस्टर्न को भी देखा जाए, रवि भोपाला जरूर बॉलिंग में कुछ अच्छा करते हैं, बैटिंग में तो उनका पहला जैसा कोई खास स्पेशल मुकाम हासिल नहीं हुआ है दोस्तों। वही अगर चीजें देखे दोनों टीमों की अगर हेड टू हेड कंपेयर जरूर सारी चीजें, तो यहाँ पर लंदन स्प्राइट कम पर थोड़ा भारी, पर फास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से अगर नजर डाले तो बर्मिंघम थोड़ी भारी नजर आ रही। तो दोस्तों अगर यहाँ बात करें कि मैच में टॉस कौन जीतेगा, तो टॉस के हिसाब से अगर देखा जाए तो लंदन स्प्राइट यहाँ पर फिर से टॉस जीतने वाली है। और अगर टॉस जीतने के बाद अगर वही बात करें यहाँ पर
कि यहाँ पर मैच कौन जीतने वाला है। तो ये पूरे चांसेस है दोस्तों कि ये मैच जो है लंदन स्प्राइट ही जीतने वाला है। फिर भी आप फ्री प्रेडिक्शन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और प्रत्येक मैच की फ्री प्रेडिक्शन भी आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।